पिंजौर कालका मुख्य रोड के दुकानदारों ने प्रपोजल नंबर 2 पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तावित के अनुसार रेलवे फाटक पर आरएओबी बनाए जाने की मांग को न मानकर अलग प्रपोजल पर काम शुरू करने पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पिंजौर कालका के दुकानदारों का कहना है कि जिस प्रपोजल से सभी दुकानदार सहमत हैं कि रेलवे फाटक पर आरएओबी उस प्रपोजल से न बनाकर दूसरे प्रपोजल से बनाने के काम शुरू होने पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये जो धरना है ये पिंजौर कालका रोड के ऊपर एक आरओबी बनने जा रहा है और 2 साल से ये डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है। उसी सिलसिले में आज सभी दुकानदार भाई जिनकी यहाँ शॉप है, जो किराएदार हैं, वो सब आए हैं। ओनर भी आए हैं, किराएदार भी आए हैं, बिजनेसमैन भी आए हैं। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसमें अपना अड़ियल रवैया ना अपनाए। सभी दुकानदार पहले ही कोरोना की महामारी से मरे हुए हैं और कोरोना के कारण मार्केट में ग्राहक नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी तो इसको थोड़े दिन के लिए और टाल दिया जाए ताकि सभी दुकानदारों को सांस आ जाए। सभी दुकानदार भाइयों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना करता हूँ, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी दुकानदार भाइयों की इस प्रार्थना को सुने, क्योंकि इस जो ये नंबर 2 प्रपोजल है उसमें 150-200 दुकानदार आते हैं और जो अभी बनाने जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उसमें 400-500 दुकानदार आते हैं और एक दुकान के पास कम से कम 10-15 इम्प्लाइज हैं, 2-4 भाई भी दुकान पे बैठते हैं, तो ये सभी मिला के 15-20 परिवार इससे जो है प्रभावित हैं। और 15-20 जो परिवार हैं, अगर हम 400 से भी लगाएं तो हजारों की संख्या में परिवार प्रभावित होंगे। अपना बिजनेस 40 से 50 साल लगा के लोगों ने ये शहर, ये बाज़ार जो है डेवलप किया है, इसको ऐसे ना उजाड़ा जाए। उजाड़ने में तो टाइम नहीं लगता, बनाने में बड़ा टाइम लगता है। लोगों ने बड़ी मुश्किल से, लोगों के पेरेंट्स कहीं से कोई रिटायर होया, किसी ने अपनी ज़मीन बेच के जमा पूंजी सारी यहाँ दुकान अपने बच्चों के ऊपर लगाई हुई है। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए और जो नंबर 2 प्रपोजल है वो भी हमने नहीं बनाई, 2 प्रपोजल सरकार ने व्यापारियों के सामने पेश की थी, दोनों टेक्निकल, उसमें हरियाणा डिपार्टमेंट के टेक्निकल एडवाइज़र भी शामिल थे और इंजीनियरिंग इन चीफ थे। तो ये दोनों जब गवर्नमेंट को गई हैं, दोनों में लिखा है कि दोनों बन सकती हैं, लेकिन फिर ये 26 करोड़ वाला बनाने का कोई औचित्य लोगों की समझ में नहीं आ रहा। जब 15 करोड़ रुपये बच सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, 11 करोड़ रुपये वाला बनाने के बाद पूरी पार्किंग भी बचेगी और दुकानदार भाई भी खुश होंगे, किसी का जो है बिजनेस भी चौपट नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है वो 15 करोड़ रुपये यहाँ से बचा के सरकार को कहीं और लगाने चाहिए। जिसमें सभी दुकानदार शामिल थे, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन पिंजौर और पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन पिंजौर के सहयोग से अब्दुल्लापुर कॉलोनी में अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि पिंजौर कालका रोड पर बनने वाले अंडर ब्रिज पर सरकार से सहमति होने के बावजूद भी पुरानी प्रपोजल के अनुसार काम शुरू करने के कारण पीडब्ल्यूडी विभाग के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। सभी दुकानदार भाइयों के साथ यहाँ पे खड़े हैं, जो जैसे कि आरओबी बनने जा रहा है, पहले जब सरकार ने ये पास किया था तब ये जो प्रपोजल बनाई थी उसके विरोध के अंदर सभी दुकानदार भाइयों ने यहाँ धरना दिया था। तो उसके विरोध में जब सहमति हुई थी कि इसको दोबारा से प्रपोजल बनाई जाए और वो सरकार ने दोबारा छोटी प्रपोजल बना करके यहाँ पर भी लागू की थी, और आज जैसे कि काम शुरू हो गया है और वो पुरानी प्रपोजल के हिसाब से शुरू हुआ है, तो हम तो यही दरख्वास्त माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं कि जो बाद वाली प्रपोजल है उसी पे द्वारा इस काम को रोक करके उसी काम पे इसको चलाया जाए। हम सभी भाइयों के साथ खड़े हैं, कोई भी जाना हो हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्रपोजल नंबर 1 जो पुराना सर्वे है जिसकी लंबाई 700 मीटर है, जबकि प्रपोजल नंबर 2 जो नया सर्वे दुकानदारों की सहमति वाला जिसकी लंबाई 350 मीटर, दोनों प्रपोजल सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के टॉप इंजीनियर चीफ और हरियाणा सरकार के टेक्निकल एडवाइज़र द्वारा ही बनाई गई है।
दुकानदारों ने प्रपोजल नंबर 2 पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तावित के अनुसार आरईओबी बनाए जाने की मांग पर जोर दिया है। यहां पर एसोसिएशन प्रधान संतराम शर्मा, तरसेम गुप्ता, पवन कुमारी शर्मा, आरडी गौतम, मुकेश कंसल सहित अन्य व्यापारी और दुकानदार मौजूद थे। व्यापारियों की समस्या बिल्कुल जायज़ है। वो 2 साल से इसकी कोशिश में लगे हुए थे कि आरयूबी का जो काम हो उनके तरीके से हो ताकि उनका जान माल का कोई नुकसान ना हो। इतने टाइम से यहाँ पे दुकानें हैं और बहुत अच्छी मार्केट बन रही है, लेकिन इस टाइम वही बात है कि बेचारे कब से बोल रही हैं कि हाँ ये हो, सुनवाई हो, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ सीएम खट्टर जी से कि इनकी बात सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए और जल्दी ही इस बात का हल हो।